खबर मध्य प्रदेश के छतरपुर जनपद से सामने आई है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। बता दें कि पुलिस ने 34 किलो 900 ग्राम करीब 6 लाख कीमत का अवैध गांजा बरामद किया है। तो वहीं मामले में पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस की टीम ने सागर रोड पर स्थित देरी रोड पर छापा मार कार्रवाई करते हुए मौके से घनश्याम राय और कैलाश को अवैध गांजा व एक कार सहित गिरफ्तार किया है। पुलिस पकड़े गए युवकों से पूछताछ में जुट गई है। पोर्ट मोसलीन खान, छतरपुर। किस तरह की कार्रवाई की गई थी, क्या सूचना मिली थी? इसमें एक ग्रे होंडा कार जिसमें गांजा मिलने की सूचना मिली थी, उसे मुखबिर के द्वारा जो हमें बताया गया था वहाँ पे हमने रास्ते पर नाकाबंदी कर गाड़ी को रोका। उसमें जब रोकने पर तलाशी दी गई तो उसमें 3 बैग 2 बैग और एक ट्रॉली मिली, जिसमें प्रथम दृष्टया तलाशी देने पर गांजा पाया गया। लगभग 35 किलो के आसपास गांजा उसका वजन था, जिसकी कीमत लगभग 6 लाख थी। कहाँ से कहाँ जा रहा था, इसमें आरोपी 2 आरोपी हैं, घनश्याम राय और कैलाश राय। ये झांसी से महोबा लेके जा रहे थे और इसमें आगे कार्रवाई की जा रही है, NDPS के तहत इसमें कार्रवाई की जा रही है। कितने आरोपी थे इसमें? 2 आरोपी हैं इसमें। किन धाराओं पर मामला दर्ज किया गया है? ये 8/20 NDPS एक्ट में कार्रवाई की जा रही है।